संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। ये बिल पूरी तरीके से गैर कानूनी है, कानूनन बात करो, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, आपको भी पता है। नित्यानंद राय जी, गृह मंत्री अनिल अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। देखिए, ये जो दिल्ली का अध्यादेश एक बिल के रूप में आज सदन के भीतर लाया जा रहा है, ये देश में, दिल्ली में खास तौर पे डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में बदल देता है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 अंडर रूल 72 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीज्योर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस एज द बिल विंडिकेट्स द आउटरेजियस इंफ्रिंजमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट अपॉन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स। इट इज डिजाइन ऑफ डिगिंग अप ए ग्रेवयार्ड फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6, जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 एफ, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। देखिए, ये जो दिल्ली का अध्यादेश एक बिल के रूप में आज सदन के भीतर लाया जा रहा है, ये देश में, दिल्ली में खास तौर पे डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में
बदल देता, यानी कि दिल्ली को अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं चलाएगी, चंद यूपीएससी पास बाबू और उपराज्यपाल चलाएंगे। सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार से छीन कर बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड उपराज्यपाल में लीन करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है।